हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस आज है संडे और संडे के दिन स्पेशल नाश्ता बन रहा है। ये बन रहे हैं मूली के पराठे और सालू इनको बना रही है। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बने थे, तो एक के बाद एक मन कर ही जा रहा था खाने का, सबके बहुत मज़े आ गए थे। तो बस मैं तो यहाँ पर गर्म पानी पी रही थी, मैंने सोचा गर्म पानी पी लेती हूँ। बार बार मुझे पानी पीने की लगी रहती है, सुबह सुबह मैं 3 से 4 गिलास पानी कम से कम भी पी लेती हूँ गर्म पानी। और आज हमें कहीं जाना भी है, तो आज तो हम जा रहे हैं घंटाघर मार्केट। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम बैठे हैं सिद्ध वाले की बस में, तो सिद्ध वाले की बस हमें छोड़ेगी घंटाघर क्लॉक टावर अंदर मार्केट में जाके आपको पूरी दिखाऊंगी कैसा हमारा घर की तरफ का मार्केट है। तो चलिए मार्केट में जाके मिलते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, घर से निकल गए थे सिद्धूवाला की बस में, और यहाँ पर है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ये लॉ कॉलेज है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बच्चे जो है स्टूडेंट वगैरह काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं लॉ कॉलेज में। अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, कोर्स हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर कोर्सेज हैं। और बस तो फिर यहाँ से लॉ कॉलेज से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे केहरी गाँव, और केहरी गाँव से फिर प्रेमनगर। तो बस अब हम पहुंच गए हैं प्रेमनगर, और प्रेमनगर में ये है रेशम के कीड़ों का ऑफिस। और यहाँ पर बस हम प्रेमनगर से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद यहाँ पर आ गए हैं हम IMA की स्टार्टिंग से। IMA मतलब शुरू हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, कभी कभी जैम भी लगा रहता है। और जो है यहाँ पर ना काम भी चल रहा है ना, तो इसलिए एक ही रास्ता खुला हुआ है। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि IMA में परेड थी, तो इतना परेशानी हो गई थी और रास्ता बंद था, तो बच्चों का स्कूल वगैरह में भी बहुत लेट हो जा रही थी। तो अब तो सब खुल चुका है, परेड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर इंडियन फ्लैग है, और इंडियन फ्लैग अगर आप लाइक करते हैं, ज़्यादा इंडिया से हैं, और बहुत अच्छा हमारा फ्लैग है, लहरा रहा है अच्छे से, तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पर ना राष्ट्रपति जी आए थे अभी जब परेड के दौरान, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है जिस टाइम पे परेड रहती है, काफ़ी अच्छा होता है। मेरी बेटी इसी के स्कूल में पढ़ती है, KV IMA में। और कभी जाना हुआ तो मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाऊँगी अंदर से ये कैसा है कैसा नहीं, अभी तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। तो इस लोकेशन में हम रहते हैं यहाँ पर, प्रेमनगर से आगे सिद्धूवाला में। और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, काफ़ी प्राउड फील होता है हम इंडियन हैं इस तरीके से। तो जब भी हम इधर से निकलते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है, इन सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम IMA से निकल गए हैं, तो यहाँ पर आ गए हम पंडित वाड़ी। इसी तरह से छोटे छोटे गाँव वगैरह ये सब पढ़ते रहते हैं पास में, काफ़ी अच्छा रहता है माहौल। तो ये आ गया है सामने FRI। तो FRI की मैं अच्छे से नई वीडियो बना पाई क्योंकि काफ़ी रश था बस में, और अच्छे से कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था, कभी कोई आ रहा था बीच में, कभी कोई आ रहा था। तो FRI मैं कभी किसी दिन जाऊंगी तो आपको उसकी पूरी वीडियो दे दूँगी। और मार्केट में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं तो मार्केट में पहुंच गए थे, काफ़ी सर चकरा रहा था, इतनी भीड़ थी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और दोपहर के समय हम गए थे, तो ये क्लॉक टावर है, देखिए हमारे इधर का घंटाघर है, देहरादून उत्तराखंड का घंटाघर है ये। और बस देख लीजिए किस तरह से भीड़ भाड़ है, आपको पूरा मार्केट में दिखाती रहूँगी। मार्केट में जाके तो अच्छे अच्छों की तबीयत ख़राब हो जाती है, काफ़ी सिर चकरा रहा था यहाँ पर हमारा। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही रश रहता है। तो ये मेन मार्केट है हमारे यहाँ का, देख सकते हैं आप। तो अभी तो खुला खुला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ थी, अभी भी भीड़ है। यहाँ मैं दूसरी साइड में आई हूँ ना, तो यहाँ पे कम है। तो बस साड़ी की दुकान में आए थे साड़ी पसंद ही करने के लिए,
यहाँ पर हमारी ख़रीदारी हो चुकी थी, तो शाम हो गई थी काफ़ी और 5 से ऊपर हो गया था टाइम, तो इसलिए हम बस में बैठे हैं घंटाघर से ही सिद्धोवाला तक की। और ये इलेक्ट्रिक बस है, काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे से चल रही थी और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, सीट भी कंफर्टेबल है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, बच्चे इजीली इसमें बैठ के घर पहुंच गए थे। तो जैसे दूसरी बस होती है ना, उन वाली बसों में ना बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको काफ़ी धुआं वगैरह होता रहता है और वो रुक रुक के चलती है। ये अच्छे से चल रही थी, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और इसमें अच्छी बात थी कि बीच बीच में अलार्म दे रही थी कि अब कौन सा स्टॉप आएगा, ये सब बता रही थी। तो जो जिस स्टॉप पे उतरना रहता है ना, तो वो अलर्ट हो जाता था कि अब हमें हमारा स्टॉप आने वाला है, तो हम रोक लेते हैं, उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा था। तो देखिए कितनी अच्छे से बस चल रही है ना। सौम्या मैं सबसे ऊपर की सीट में बैठे हैं और शार्वी की मम्मी सबसे नीचे वाली सीट में बैठी है। ऐसा लग रहा था हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। नंदा की चौकी, यू स्टॉप टू नंदा की चौकी। नेक्स्ट स्टॉप उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। अगला स्टॉप उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। औरो वाले स्टॉप चे उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वर्तमान स्टॉप उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिद्धोवाला। अगला स्टॉप सिद्धोवाला। औरो वालो स्टॉप च सिद्धोवाला। तो बस यहाँ पर सिद्धोवाला चौक आ गया था, तो बस ने भी बता दिया था सिद्धोवाला चौक आ गया है। तो हम खड़े हैं घर जाने के लिए और 6:30 हो रहे थे इस टाइम पे और बस घर चले जाते हैं। सौम्या से देखिए किस तरह से सुनसान हो रखा है ना, सर्दियों का टाइम है ना, तो इस टाइम पे ऐसे ही हो जाता है, रश कम हो जाता है, लेकिन मेन मार्केट में बहुत रश रहता है। तो इसको देखिए बैठ गई है, थक गई है, बहुत थकाई लग गई है इसे और कह रही है मोमो खाना है, इसके लिए मोमो लेने जा रहे हैं अब हम। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मज़ेदार ब्लॉगिंग वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप रिलेशनशिप में मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हर वुमेन को सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये वुमेन ही है जो अपना ठेला लगा रखा है और बना रही हैं चाउमीन, बना रही हैं। तो कुछ बच्चे कहने लग गए कि हमें चाउमीन खानी है, कुछ कहने लग गए कि हमें मोमो खाने हैं, तो इसलिए हमने कुछ बच्चों के लिए, मतलब कि जिसको चाउमीन है वो चाउमीन खाएगा, जिसको मोमो पसंद है वो मोमो खा लेंगे। वैसे तो मैं घर में ही बना लेती हूँ सब चीज़, लेकिन अभी थोड़ा थकाई लग रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने चाउमीन बना दी है और इस तरह से वुमेन जो है ना बहुत कुछ करना सोचती हैं। देखिए कि रात में भी इतनी ठंड में ठेला लगा कर चाउमीन मोमो का और अपना घर चला रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो ऐसे एक साथ अगर हम घर चलाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से चल जाता है दोनों मिलकर। तो चाउमीन बन गई थी, पैक करा ली थी, घर ले गए थे, घर जाके हमने चाउमीन के मज़े लिए। तो किसी किसी चाउमीन पसंद है वो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए घर पहुंच गई हूँ और अब मैं दिखा देती हूँ आपको कपड़े हमने क्या क्या लिए हैं। यहाँ पर हमने जैकेट ली है, ये स्वेटर सा, और ये एक सेट लिया है हमने शरारा का शिवन्या के लिए, ये येलो कलर का, और ये फ्रॉक है सारवी का, और ये शरारा सेट है, ये है सौम्या का। तो इत्तेफाक से येलो येलो टकरा गई, पर डिफरेंट येलो थी, कोई लेमन था कोई मस्टर्ड था।
तो ये सौम्या का है और ये पॉलीथीन में हमने गर्म कपड़े लिए थे, तो नाइट सूट थे बच्चों के, स्टॉल वगैरह थे, बच्चे बहुत थक गए थे। तो देखिए दोनों बहनें कैसे सो रही हैं थकने के बाद। तो आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।